नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। साथ आपके मैं हूं पलक प्रकाश। कोरोना काल में पूरा देश संघर्ष कर रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर तो है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं जानते। तो आइए आपको डॉक्टर के जरिए ये बताते हैं कि घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का सही इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। दिल्ली समेत देश भर के अस्पतालों में जिस तरह से बेड्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद बहुत से लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर रख लिए हैं। कुछ सोसाइटीज़ ने भी रेजिडेंट्स के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं। कुछ इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके अपने पास रख तो लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन आपके पास अस्पताल वाला बेड नहीं है, यानी कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में आप इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, जो वैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं लेकिन इस वक्त कोरोना के कई मरीजों का इलाज कर रहे हैं और पिछले एक साल से लगातार बहुत से कोविड के मरीजों को भी देख रहे हैं। डॉक्टर कौशल, सबसे पहले तो ये, अगर मैं सिलेंडर किसी तरह से जुगाड़ भी लूँ तो क्या मुझे इसको यूज़ करना चाहिए, क्या मैं इतना कर पाऊँगी? देखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीमीटर आपके पास होना चाहिए जिससे आपको ऑक्सीजन सेचुरेशन का अंदाजा रहे। हम पिछली बार ऑक्सीमीटर बता चुके हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीमीटर पे अगर किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 के नीचे है, अगर उसको हाई रिस्क है, हाई रिस्क मतलब उसको ब्लड प्रेशर, किडनी, डायबिटीज़ की वजह से कोई भी कंपाउंडिंग डिजीज़ है और उसका ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 के नीचे होता है, तो ये थोड़ा वार्निंग साइन है, रेड साइन है। और अगर कोई फिट मरीज है हमारे आपके जैसा जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो 90 तक वॉच कर सकता है। 90 तक वॉच करने के बाद डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर पे भागने की बजाय, जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंज करे या कहीं डॉक्टर के पास जाए, सबसे पहली एडवाइस ये होगी कि आप उल्टा पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले ऐसा करने से करीब, जब आप ऐसे करके सांस लेंगे इस पोजीशन में, आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 5 से 7 तक ऊपर आ सकता है अगर आपका लंग फंक्शन बेहतर है। तो प्रोन पोजीशन में लाई करना, वो सारे लोग जिनको ऑक्सीजन की कमी है और जिस तरह से देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार और क्राइसिस मचा हुआ है, तो हम सबको मिलके ऑक्सीजन बचाना भी है। तो सबसे पहले प्रोन पोजीशन में रखें, उसके बाद आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें। अगर ये 93 के नीचे आ गया है तो इट इज़ अ सेफ जोन, यू शुड नॉट हरी, यू शुड नॉट वरी। मीनवाइल आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद की सिचुएशन यह कि मान लीजिए सब किया और उसके बाद भी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के नीचे आ रहा है, 85 तक आ रहा है, इस समय तो इतनी क्राइसिस है कि जो नॉर्मल बायोलॉजिकल वैल्यू है कि 90 या 90 के नीचे को हम सीरियस मानते हैं। अब इस समय बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं जिनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन इवन 70, 75, 85 तक है और पेशेंट ठीक हैं। नो डाउट क्राइसिस है, क्रिटिकल है, लेकिन वो पेशेंट ओके हैं, उनके पास समय है। तो जब इस सिचुएशन में आ जाए कि आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 के नीचे आ जाए, उस समय आपको ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी और आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिले। अगर बेड नहीं मिल रहा है, जो कि करंट सिचुएशन है कि एक्चुअली बेड नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को घर ले जा रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन के सिलेंडर घर ले जाते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप करें, ये यूज़ कैसे करें। इसमें दो चीज़ें मिलती हैं आपको, बेटा सीधे हो जाओ, दो चीज़ें हैं। एक तो आपका ये मास्क है जो सब लोगों ने देखा होता है और दूसरा ये नेजल प्रोंग है। ये दो चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा इफेक्टिव ये है, ये डायरेक्ट नाक के अंदर आपको डिलीवरी करता है एज़ कम्पेयर टू ये, लेकिन जो भी मिले वो बेहतर है क्योंकि अभी ये नेजल प्रोंग भी मार्केट से गायब हो रहा है। जी, तो ये आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हालत ये है कि बेड्स ही नहीं, जो सामान है जो आप घर पर लाएंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वो भी मिलना मुश्किल है। और इसके बाद इसको इस तरह से, अगर आप ये लगा रहे हैं तो इस तरह से लगाएंगे और ये साइड में जो आपका टाइट करने के लिए इलास्टिक है, आप उसको टाइट करेंगे और ऑक्सीजन को स्टार्ट करेंगे। अगर ये मिला तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको नेजल प्रोंग मिलता है तो ये भी बहुत ईजी है लगाना। इसमें जरा ऑक्सीजन का लॉस कम होता है, नाक के अंदर डायरेक्ट डिलीवरी होती है और इस तरह से ये ऑक्सीजन जा सकती है। अब इसके बाद आप इधर आएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर पे आना ज़रूरी है। आप इसको सेट कर लें, जब आप सिलेंडर लेने जाएं उससे समझ लें कि इसको अटैच कैसे करना, क्योंकि मैं वो नहीं बताने जा रहा हूँ। अब आप इस पे ध्यान से देखें, इसमें डिफरेंट ग्रेडिंग है, इसको ध्यान से दिखाएं। और नॉर्मली 5 लीटर पे ऑक्सीजन रखी जाती है। जैसे आपने अपने किसी का सेचुरेशन 85 आ गया है, आप इसको लगाइए और इसको, ये जो इसका इंडिकेटर है वो आप इसको घुमाएंगे तो आप इसको 5 पे ला करके छोड़ दीजिए।
और वेट कीजिए कि इसे हम लो फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं। इसे हम लो फ्लो 5 लीटर पर मिनट के रेट से ऑक्सीजन अब जा रही है जी। तो ये है अगर अगर आपको हल्की फुल्की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जिसे हम लो फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं, और आमतौर पर शुरुआत में मरीज को इसी स्पीड से ऑक्सीजन, इसी स्पीड से। अब इसको स्टार्ट करने के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे तक वेट कीजिए, पेशेंट को देखिए, ऑक्सीमीटर को दोबारा लगाइए। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन इतने पर आपका मेंटेन हो गया तो वेट फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद ग्रेजुअली इस ऑक्सीजन के इंडिकेटर को आप नीचे करके 3 लीटर पे ले आइए। अगर आधे घंटे में वो 97 के आसपास, अगर वो 97 या 93 के ऊपर अगर आ जाता है तो आप इस लेवल पे ले आइए। 93 या 97 आइडियल होता है, 100% ऑक्सीजन आइडियल नहीं होता सेचुरेटर पे दिखाना, 97 आइडियल है, 97 प्लस माइनस 3 कुछ भी हो वो नॉर्मल माना जाता है। और धीरे धीरे ऑक्सीजन को कम करिए और ग्रेजुअली इसको वीन ऑफ करना है और फिर इसको हटा दें। अगर आपका पेशेंट स्टेबल है तो आप इतने पे रुक जाएं।